जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें कि इस हिंसा में 9 लोग घायल हो गए थे, जिनमें 8 पुलिसकर्मी हैं। वहीं इस मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 8 लोग पहले भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। वहीं इस हादसे के कारणों की भी लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी, लेकिन इस बीच ऐसी भी खबरें आई कि मस्जिद में झंडा लगाने को लेकर पूरा विवाद हुआ। कुछ लोगों का यह कहना था कि शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोग भगवा झंडा को मस्जिद के ऊपर लगाना चाहते थे, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ, जिस पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस वक्त एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में झंडे लगाने के बात में कोई तथ्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि झगड़ा छोटी सी बात से शुरू हुआ था और बाद में यह बढ़ गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की गई थी, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जहांगीरपुरी हिंसा को भड़काने वाला पहला शख्स कौन था, उसका अभी पता नहीं चल पाया है और जांच लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज के जरिए पुलिस दोषियों को पहचानने की कोशिश कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थी इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट। ऐसे ही खबरों में बने रहे मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।